आज है पूरी का डे थ्री और आज हमने डे थ्री पे क्या क्या किया ये जानने के लिए वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे। और हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगी मेरे साथ पूरे मेरे आज दिन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमने आज क्या क्या किया पूरी में डे थ्री पे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी अपने पुराने प्रॉपर्टी को अलविदा कहने के साथ और अपनी न्यू प्रॉपर्टी को वेलकम करते हुए। सो आज हमने चेक इन किया मेफेयर में, जो कि काफ़ी सुंदर और यहाँ का 5-स्टार प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ मेरे साथ इस प्रॉपर्टी में, हमें क्या क्या मिलता है आगे देखते हुए। हमें इस प्रॉपर्टी में चेक इन करते करते काफ़ी लेट हो गया था और ऑलरेडी मेरे पेट में मेरे चूहों ने महाभारत चालू कर दिया था। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि चलते हैं थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ इनके यहाँ का रेस्टोरेंट। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ की मैं आप सबको लेकर आई हूँ। ये है मेफेयर का रेस्टोरेंट, वेयर यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट डिनर लंच एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एंड यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा एक उड़िया ऑथेंटिक थाली भी सर्व करते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू हैव उड़ीसा का ऑथेंटिक खाना तो हियर यू कैन ट्राई दैट एज वेल। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो रेस्टोरेंट को इन लोगों ने काफ़ी सुंदर ऑथेंटिक तरीके से डेकोर किया हुआ है, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स है एंड काफ़ी सुंदर सारे हैंडमेड पेंटिंग्स है। एंड बहुत सुंदर लगा मुझे ये रेस्टोरेंट जिस तरीके से इन लोगों ने डेकोर किया हुआ है, पूरा ऑथेंटिक वाइब्स आ रही है पूरी इस रेस्टोरेंट। अब भी चलिए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ मेरे साथ यहाँ का पूल एरिया, जो कि हमें बताया गया कि काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी सुंदर तरीके से उसे डेकोर कर किया गया है। एंड वहाँ पे कैफ़े एरिया भी है जहाँ की वी कैन एंजॉय मॉकटेल एंड कॉकटेल वाइल स्विमिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एरिया यार। लाइक स्विमिंग के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सकते हो। एंड दिस इज़ द प्लेस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी पूल एरिया क्लोज्ड है, शायद 5 बजे ये ओपन होता है। तो बस हमने फिर डिसाइड किया कि अभी अपन जाएंगे थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और जो भी हमारा प्लेसेस रह गया है पूरी में एक्सप्लोर करने के लिए वो अपन एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलते हैं शॉपिंग करने। और फिर बस शॉपिंग खत्म कर हम चले गए अपने यहाँ के बेस्ट लोकेशन डेस्टिनेशन पे, वो था नीलाद्री बीच। हमें ये बताया गया कि ये सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट बीच है पूरी में और ये एक प्राइवेट बीच है, बट बहुत सुंदर व्यू एंड बहुत सुंदर है ये। लाइक जब आप वहाँ जाते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ की टिकट लेनी पड़ती है, अप्रॉक्सी 20 या 30 रुपीस की आपकी टिकट आती है, बट ट्रस्ट मी ये व्यू वर्थ है। लाइक अगर आप वो नीलाद्री बीच अगर आप पूरे गए हो और आपने नीलाद्री बीच नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग आउट समथिंग। तो डेफिनेटली जब भी आप नेक्स्ट टाइम पूरी जाओ प्लीज़ विजिट नीलाद्री बीच। और अभी तो आप मेरे साथ देखेंगे कि नीलाद्री बीच कैसा है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम ये बीच जाना है या नहीं जाना है। और टिकट भी बहुत मिनिमल है, ये बेसिकली एक प्राइवेट बीच है जिसे काफ़ी क्लीन कर रखा गया है, बट लोगों के लिए ओपन है ये अभी के लिए। एंड जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये उनका ही बीच है, बट बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने सब कुछ इसको मेंटेन करके रखा है। बीच जाने के रास्ते में आपको काफ़ी सारी कैफेज़ वगैरह पड़ती है, आप चाहो तो बीच पे इंजॉय करने के लिए आप चीज़ें खरीद के और बीच पे जाके खा भी सकते हो, बट बीच पे आपको एज इन कुछ नहीं मिलता है, बट बीच से जैसे आप जस्ट गेट से बाहर आते हो यू गेट एवरीथिंग टू ईट एंड हैव। तो चलिए मैं आपको लेकर आ गई हूँ ये नीलाद्री बीच और आप खुद ही डिसाइड करो ये व्यू देखकर कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। मुझे तो सच में ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा है यार, इतना सुंदर सैंड और इतना अच्छा स्काई का कलर, साथ में ये जो वाटर, ये स्काई और ये वाटर और ये सैंड, ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लाइक दिस इज द पिक्चर परफेक्ट कॉम्बिनेशन यार। एंड सीरियसली आप जब ये पिक्चर कहीं पे भी दिखाओगे पीपल विल आस्क यू डेफिनेटली कि कहाँ से ये पिक्चर लिया है। लाइक ये वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, बट सीरियसली अगर आप पूरी आ रहे हो दिस इज वर्थ योर वॉच। सो फाइनली एंड लास्टली हमने तो बहुत इन्जॉय किया है इस बीच पर, सीरियसली घर वापस जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि
वक्त यही ठहर जाए और आप ये पूरा टाइम ये बीच और लहरों की आवाज़ सुनते रहो और इस बीच पर इंजॉय करते रहो। एंड सीरियसली हम सब ने बहुत इंजॉय किया, मैंने, मेरी फैमिली ने, एवरीबडी वॉज रियली वेरी हैप्पी, जितने लोग भी यहाँ आए थे सब बहुत खुश थे एंड एवरीबडी वॉज इंजॉइंग दिस बीची वाइब्स। जब आप इस बीच पर ये लाइक इस सिटिंग एरिया पे शांति से बैठकर रात में समुद्र को देखते हो एंड जब आप ये समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनते हो एंड सीरियसली आप जब वो शहर के शोर से बाहर रहते हो ना गाइस, ये खुद में ही ना बहुत पीसफुल लाइक वाइब्स देता है आपको। लाइक मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये लगता है ना, ये टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो एंड ये टाइम आपको बहुत कुछ सोचने, रियलाइज करने, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस देता है। लाइक आप खुद के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम निकाल पाते हो ऐसी जगह पर आकर एंड सीरियसली मन बहुत शांत लगता है। लाइक अगर आपको भी ऐसा फील होता है बीची एरिया पे या बीच पर जाकर तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताएं। एंड तो इसी के साथ मेरी पूरी की स्टोरी यही एंड होती है। हाँ, एक लास्ट ब्लॉग डेफिनेटली आएगा जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी पूरी टेम्पल से रिलेटेड जो कि बहुत यूनिक है एंड मुझे लगता है मुझे डेफिनेटली आप सबके साथ वो शेयर करना चाहिए सो दैट आप भी जब नेक्स्ट टाइम टेम्पल जाओ तो कुछ चीज़ें हैं लाइक आप ये चीज़ें दिमाग में रखकर जाओगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ अपना प्यार बहुत सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। जो भी कॉमेंट है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे डेफिनेटली कॉमेंट में बताएं सो दैट मैं नेक्स्ट अपनी ट्रिप की वीडियो भी जल्दी से जल्दी डालूं मेरे चैनल पे। एंड दैट्स इट, लव लव।